अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने वाली हूँ फेज चटनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक बड़ी प्याज जो कि मैंने बारीक काट ली है, एक गड्डी लहसुन, दो टमाटर, पांच हरी मिर्चें और एक इंच का अदरक का टुकड़ा जो कि मैंने छील लिया है, और तकरीबन इतना सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और सूखे मसालों में एक चम्मच जीरा, नमक आधा चम्मच क्योंकि मैंने पहले भी डाला हुआ है उबालने के लिए चनों को, आधा चम्मच तभी डाला था, और एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, एक चम्मच गर्म मसाला कूटा हुआ, आधा चम्मच हल्दी और एक चम्मच चिकन पाउडर। सबसे पहले हमने ग्राइंडर में ये जो हमने प्याज काट के रखे हुए थे और लहसुन साबुत था, ये हम ऐसे करेंगे कि एक ग्राइंडर में डालेंगे और इसमें थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसको हम बारीक पीस लेंगे। अच्छे से बारीक पीसना है, इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। अगर हम इसको पीसते हैं तो बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। ये लीजिए, बिल्कुल बारीक पीस गया। अब हम एक बर्तन लेंगे जिसमें हम ये पेस्ट डाल देंगे और उसमें तकरीबन एक कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। जितना हमारा प्याज और लहसुन का पेस्ट फ्राई हो रहा है, साथ ही हम ऐसे करेंगे कि टमाटरों को भी काट लेंगे मोटा मोटा और इसको भी हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। टमाटर काटेंगे और इसी के साथ ही हरी मिर्चें और अदरक के भी बारीक काट लेंगे और इन सब को इकट्ठा हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। हमारे टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट बन रहा है। अब हम लहसुन और प्याज में एक चम्मच जीरा डालेंगे और उसको भी इन्हीं के साथ ही हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हमारा मसाला भून के तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक का पेस्ट डालेंगे और साथ ही हम हरा धनिया भी डाल देंगे और जितने भी खुश मसाले हैं वो सारे डाल देंगे। माफ़ कीजिएगा, सामने मेरा बाजू बार बार आ रहा है, वो एक्चुअली कैमरे की साइड पर ही मसाले पड़े हुए थे, इसके लिए मैं आपसे माजरत ख्वाऊँ। तो ये मसाले हमने अच्छे से भून लेने हैं और हमने इतना भूनना है कि टमाटर का पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। इसको हमने अच्छे से भून लेना है। हमारा मसाला अच्छे से भून गया था और उसमें मैंने सिर्फ चने डाले हैं, वो सॉरी मैं बता नहीं सकी आपको चने डालते हुए। इसमें जो पानी था वो हमने साइड पे रख दिया, जस्ट चने निकाले हैं और चनों को हम मसाले में अच्छे से भूनेंगे। अब हमारा चने अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी चनों का जो हमने उबाले थे चने, जिस पानी में पानी हमने साइड पे कर रखा था और चने हमने निकाल लिए थे और उनको हमने मसाले में भून लिया था। अब हमारे चने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हमारा जो पानी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे शोरबे के लिए। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें शोरबा रखें या ना रखें। बाज़ लोग खुश चने खाना पसंद करते हैं, हम शोरबे वाले चने पसंद करते हैं, इसलिए हमने इसमें जो पानी था उबालने में जो हमने यूज़ किया था वही हमने इसमें डाला है। अब हमारा चनों का सालन तैयार हो गया है। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर। चिकन पाउडर को इस तरह से फैलाई के डालना होता है क्योंकि अगर हम इकट्ठा की जगह डालेंगे तो ये आपस में जुड़ जाता है। चिकन पाउडर डालने के बाद आपने चम्मच को अच्छी तरीके से हिला लेना है और मज़ीद इसके बाद आप इसको एक मिनट से ज़्यादा कुक ना करें, फ्लेम ऑफ कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
Thank you.